तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द डेमन हंटर नोबल एक्सप्लेन वीडियो में। आई होप आपने मेंग चुआन का थंडर स्पीड लास्ट एपिसोड में काफी इंजॉय करे होंगे। अगर नहीं तो एक बार उसे चेकआउट कर लो। तो और बिना देरी के इस एपिसोड को चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट खत्म हुआ था, यानी बवाल से, क्योंकि मेंग चुआन ने ओनली 7 ड्रॉप वाटर वेस्ट किया 500 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए। सो मेंग चुआन का रिजल्ट आते ही सब शॉक्ड होते हैं और कहने लगते हैं, व्हाट, सिर्फ 7 ड्रॉप, वो बहुत तेज है। तभी मेंग चुआन का रिएक्शन देखने को मिलता है, जो बेसिकली खुश है और कहता है, डैड मैंने कर दिखाया। बट वो देखता है कि उसका डैड उससे भी ज्यादा फेमस हो चुका था, बिकॉज सभी मिस्टर मेंग को बधाई देने लगते हैं और कहते हुए कि आपका बेटा कम माल का है। और फिर कोई कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मेंग, आपका बेटा जरूर एग्जाम क्लियर करेगा। और फिर कोई कहते हैं कि मिस्टर मेंग, क्या हम साथ मिलके खाना खा सकते हैं, जहां हम डिस्कस कर पाएंगे कि आपने कैसे अपने बेटे को ट्रेन किया था कि हम भी कुछ कर पाए अपने बेटे को लेके। और ये सब इसीलिए क्योंकि मेंग चुआन अभी मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट बन चुका है इस राउंड के बाद। सो सबको अभी अटेंशन चाहिए और इसी तरह से ग्रेट मास्टर फैमिलीज एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। खैर, तभी और भी लोग मेंग चुआन को बहुत कुछ कहने लगते हैं, क्योंकि वो अब भी MVP बन चुका है, यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जैसे कि कोई कहता है, तुम्हारा स्पीड बहुत एडमायरेबल है और ये रिजल्ट टॉप ग्रैंड मास्टर का हो सकता है, क्योंकि रेगुलर पीपल का इससे कीप अप करना नामुमकिन है। और तभी नानहो को देखने को मिलता है और कहता है, ये परफॉर्मेंस लास्ट ईयर का टॉप कैंडिडेट से भी बेहतर है और साथ ही उसका लेवल भी हायर था। और तभी नानहो के बगल वाला मास्टर उसे कहता है, तुम उसे इसीलिए प्राइस कर रहे हो क्योंकि वो उजू से है ना। जहां नानहो कहता है, क्या मैं बूस्ट कर रहा हूं, ना मैं तो सच कह रहा हूं। और तभी मास्टर हंस के कहता है, ओके ठीक है। और तभी मेंग चुआन ने जो रफ्तार दिखाया, उससे बहुत स्टूडेंट प्रेशर फील करना शुरू करते हैं, जो कि आप उनके एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन अगर स्पीड के ऊपर बात आए तो वो लोग मेंग चुआन के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि तभी मेंग चुआन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बाकी स्टूडेंट पूरा जान लगा देता है, यानी पूरी पावर्स लगाता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि जिन नामक बंदे ने 12 ड्रॉप्स का वक्त लिया, टोंग ची ने 9 ड्रॉप और कान हुआन ने 8 ड्रॉप और झू चुआंग उसके 2 क्लब के साथ 10 ड्रॉप्स, लेकिन कोई मेंग चुआन का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया, यानी मेंग चुआन इज ऑसम। और तभी मास्टर भी कहता है, मेंग चुआन को लंबे समय के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग से गुजरना होगा इस रेगुलर बॉडी ग्रेट पावर को अनलिश करने के लिए। और तभी हमें ऑथर कहता है कि मेंग चुआन सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि बीते कंपटीशन के कंपेयर में भी स्पीड में सबसे आगे है। और यह सेकेंड स्टेज खत्म होता है और जहां बहुत स्टूडेंट कंपटीशन से बाहर हो जाता है, जो बाहर हुए उनके फैमिलीज उन्हें हिम्मत देता है कहके कि तुमने बहुत अच्छा किया। खैर, ग्रेट मास्टर बनने के लिए बैटल फील्ड में अच्छे काम भी करना पड़ता है, लेकिन यह चुआंग को पता था कि ये एक बस कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी वो बाहर हुए स्टूडेंट के लिए सॉरी फील करता है, क्योंकि यह आना बहुत ही चैलेंज भरा काम है। और वो ये भी जानता है कि ग्रेट मास्टर को हमेशा टॉप सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, सो ट्रायल में वीक लोग ना होना ही बेहतर है। और तभी नानियन हो एल्डर को कहता है, इस बार का ट्रायल बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं, जहां हमने झू चुआंग टोंगकिंग को स्पोर्ट किया फर्स्ट स्टेज पे और मेंग चुआन को सेकेंड स्टेज पर। तभी एक फीमेल मास्टर एल्डर को कहती है, एल्डर बाकी सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और तभी थर्ड मास्टर किंग टोंग है खड़ा होता है और वो इतना पावरफुल है कि उनके आने से ही जमीन तक हिलने लगते हैं और उनके प्रेशर के कारण कोई उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और तभी एल्डर कहता है, डिसिसिव बैटल में जो आप करते हो वो आपके जीवन पर निर्णय ले सकता है, इसीलिए स्लो रिएक्शन घातक हो सकती है, उसी कारण थर्ड स्टेज आपकी रिएक्शन की एबिलिटी को परीक्षण करना है। और तभी सारे कैंडिडेट्स के चारों ओर गोल्डन ऑरा देखने को मिलता है। लोग बाग हैरान होकर कहने लगता है कि पलके झुकाते ही किंग टोंग ने इनविजिबल फील्ड कास्ट किया सारे कैंडिडेट के ऊपर और
फिर और तभी एल्डर कहता है आपको बाउंड्री के अंदर रहना होगा और गिरने वाले बर्फ से बचना होगा, लेकिन अगर आपके बॉडी या वेपन बर्फ से हिट होता है तो आप बाहर हो जाएंगे। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि अगर बाउंड्री के बाहर आते हो तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। और तभी किंग टोंग का पावर का एक झलक देखने को मिलता है, मैन ही इज डैम स्ट्रॉन्ग, जो उंगली उठाते ही वेदर को चेंज करके बर्फ गिराना चालू करता है और ऑफिशियली थर्ड राउंड यहां से शुरू हो जाता है और सभी सुनो टॉच करने लगते हैं। लेकिन मैंगजुआन रिएक्ट करता है ये थर्ड राउंड है, बेसिकली वो बहुत खुश है और आगे वो कहता है ये सुनो बहुत स्लोली गिर रहा है, हालांकि ये मोटा दिखता है और केवल एक या दो फ्लेक ही सूझ सकता है, लेकिन मेरे रेन एरो प्रैक्टिस के मामले में ये बहुत आसान है। और तभी मिस्टर मैंग भी रिएक्ट करता है कि मेरे चुआंग ने अटैक डॉच करने वाला प्रैक्टिस बचपन से करते आया तो ये राउंड तो उसके लिए पीस ऑफ कैक है। और तभी किंग को नानहो कहता है ये तो आसान है उनके लिए। तभी किंग कहता है अभी वक्त नहीं हुआ और फिर किंग सेकेंड फेज को चालू कर देता है जहाँ पे स्नो थिकर और स्पीड से गिरने लगते हैं, लेकिन उससे चुआन को कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि उसने आँख बंद करके उसके इनर स्पेस को ऑप्टिमाइज करना चालू कर दिया स्नोफ्लेक को सेंस करने के लिए। लेकिन तभी बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होने लगता है, जो देख कर किंग कहता है ये तो बुरा शुरुआत है क्योंकि इस शक्ति से आप अपने ही समान एनिमी का सामना करते ही मर जाएंगे। और तभी धराधार बहुत स्टूडेंट कंपटीशन से बाहर होते हैं और उतने में किंग थर्ड फेज को शुरू कर देता है जहां स्नो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। और तभी मिस्टर मैंग कहता है मेरा बेटा बेस्ट है और उसने दो दो डीमन जनरल को डिफीट किया, सो वो इस चुनौती को भी आसानी से पार कर पाएगा। और फिर आगे मिस्टर मैंग कहता है बेटा अपना बेस्ट ट्राई करना। और तभी आइस की इंटेंसिटी और इंक्रीज होते हैं और वो और थीकर होने लगते हैं और जिससे सिर्फ स्टूडेंट के मुंह से आउच आवाज आना शुरू होने लगता है और पूरे 58 स्टूडेंट एक साथ बाहर निकल जाते हैं। और उतने में किंग फोर्थ फेज को चालू कर देता है और कहता है 102 कैंडिडेट्स बाहर हो चुका है और उसी कारण किंग तुरंत फिफ्थ फेज को भी शुरू कर देता है। यार इस फेज में बर्फ रॉकेट की तरह तेजी से गिरने लगते हैं और इतना तेजी से बर्फ गिरता है कि वो जीनियस याटोंग को भी हीट करता है, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटा होने के बावजूद फिफ्थ फेज तक पैर रखा वो बड़ी बात है। और तभी मैंगजुआन वो देखकर हैरान होता है क्योंकि फाइनली एक जीनियस जो बाहर हुआ और साथ ही किंग की फिफ्थ फेज का इंटेंसिटी और प्रेशर भी बहुत स्टूडेंट को फील होने लगा है। और उतने में ही सिक्स्थ फेज को भी चालू किया जाता है जिसके कारण स्नोफॉल और थीकर और स्ट्रोंगर होते हैं क्योंकि स्टूडेंट बहुत मुश्किल से स्नो को खाली आंखों से देख पा रहे हैं। यहाँ तक बचे हुए 20 जीनियस से भी कीप अप करना मुश्किल हो रहा था और लगभग वो लोग अपने लिमिट में भी पहुंच गए थे। और उतने में कुछ जीनियस के साथ साथ और स्टूडेंट कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं क्योंकि एक तो स्नो बहुत ही थीक हो चुकी थी और ऊपर से मानो वो लाइट स्पीड से गिर रहा था। और तभी यान को देखने को मिलता है जो कहता है ये बहुत डिफिकल्ट है और फिर वो एस यूजुअल गुस्से से कहता है डट तेरेगी, हमेशा की तरह मैं फाइट बैक के लिए अपने ड्यूअल शॉट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अब सिर्फ मुझे बचना है वो भी मेरे इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करके यानी अंतर्ज्ञान के ऊपर रिलाई करके। और फिर यान अपना बेस्ट देने लगता है स्नो को डॉच करने के लिए, बट स्नोफॉल और भी इंटेंस हो गया था और उस वक्त पर वो अपना लिमिट तक भी पहुंच गया था और जिसके चलते वो स्नो आके उसे हिट करता है और अनाउंसमेंट आते हैं कि यान कंपटीशन से बाहर हो गया है। और फिर वो अपने आप पर बहुत गुस्सा होकर कहता है मैं इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तभी वो आंखें खोल के देखता है कि सुजुआंग और यान फेंग भी बाहर हो चुका था। और फिर वो आगे कहता है तो फिर बाकियों का क्या हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है सिक्स फेज के बाद ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट बाहर हो चुका था और सिर्फ दो को छोड़ के जिनमें से एक हमारा मैंगजुआन और दूसरा है जू चुआंग।
टोंग, और तभी दोनों को देखकर सू जुआंग टोंग कहता है कि मैं 7 साल से टॉप हीरो के लिस्ट में था, सो मुझे लगा इस स्टाइल का भी हीरो मैं ही बनूंगा, और मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उन दोनों से मात खा जाऊंगा। और तभी फीमेल टीचर बाकी टीचर से कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा ये दोनों यहाँ तक टिकेगा, और इनका स्पिरिचुअल माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी फर्स्ट राउंड टीचर कहता है कि नॉट बैड, एंड देन नान हो कहता है वो लोग आगे की ट्रेनिंग को डिजर्व करते हैं। लेकिन उतने में तभी किंग कहता है कि 8 फेज शुरू होने वाला है, जो जितना ज्यादा टिकेगा वो बाजी मार जाएगा। और तभी लोग बाग हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्वयं किंग उन्हें अटेंशन दे रहा है। और फिर मिस्टर मैंगो बेटे के लिए प्रे करते हुए भी देखने को मिलता है, जो काइंड ऑफ फनी था। और उतने में किंग कहता है कि 8 फेज शुरू हो चुका है, और उतने में खौफनाक मंजर शुरू होता है क्योंकि सुनो आईसी गैलेंस के रूप में लेजर की तरह नीचे आने लगते हैं, जो देखकर सारे जीनियस दंग रह जाते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत टेरिफाइंग था। और फिर वो लोग जू चुआंग टोंग को देखकर कहते हैं कि वो क्या ही फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन तभी हमें उसका हालात देखने को मिलता है जहाँ वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है, मैं लिमिट तक पुश कर रहा हूँ और मेरे सेंसेशन भी कैंसिल होने जा रहा है, सो अभी मुझे इनर पावर पर रिलाई करना होगा। और फिर वो आगे कहता है बस मुझे उससे ज़्यादा देर टिकना होगा। लेकिन तभी वो चुआंग को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि चुआंग बहुत आराम से 8 फेज को डॉच कर रहा है, मानो ये फर्स्ट फेज चल रहा है। और तभी वो देखकर जू चुआंग टोंग कहता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, वो तो बस एक आम फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर वो आगे कहता है मैंने बचपन से बहुत हार्ड प्रैक्टिस किया, सो मैं चाहता हूँ लोग मुझे आज इस ट्रेल में एडमायर करें, तो मैं कैसे उसे मुझे हराने दे सकता हूँ। और उसी के चलते लिमिट पुश होने के बावजूद भी वो हार मानना नहीं चाह रहा था, बट उसे सुनो आके हिट करता है, सो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है, जो देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस, जो किसी ने भी नहीं सोचा, यानी मैंग चुआन 8 फेज को भी पार करता है। और वो देखकर किंग काफी इंप्रेस होकर कहता है बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जो देखकर नानहो कहता है किंग के फेस में स्माइल, यानी चुआन से किंग सेटिस्फाइड है। लेकिन उतने में नाइटमेयर फेस शुरू होता है क्योंकि हजारों लेंसेस मैंग चुआन को एम कर रहा है, लेकिन चुआन अभी भी एकदम काम दिख रहा है और वो आसानी से सब डॉच करते हैं, जो देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत एफर्टलेसली स्नो को डॉच कर रहा है। और वो रिलैक्सिंग सिनारी एक वंडरफुल पेंटिंग की तरह लग रहे थे, और सबका नजर मैंग चुआन पर टिकी हुई थी। और तभी मैंग चुआन रिएक्ट करता है कि रिलैक्स, डोंट पैनिक, और फिर वो आगे कहता है कि स्नोफॉल बैडली गिर रहे हैं जो मेरे माइंड्स एबिलिटी से परे है, लेकिन मेरी इनर स्पेस अच्छे से काम कर रहा है। और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां मैंग लेडी उसे कही थी कि लिटिल चुआंग 80 साल से मैं एक ग्रेट सेंट हूं, लेकिन इस इनर स्पेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये स्पेस या तो तुम्हें बेनिफिट दिलाएगा नहीं तो हार्म पहुंचाएगा, तो अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर करंट टाइम देखने को मिलता है जहां चुआंग कहता है ग्रैंडमा आप ही हो और मैं ग्रेट सेंट बन के रहूंगा, और फिर मैं आपको निराशा भी नहीं करूंगा। और तभी मैंग चुआन का हार्ट प्रैक्टिस देखने को मिलता है जो बचपन से ही करते हुए वो आ रहा था, एरो को डॉच करना हो चाहे बारिश में ट्रेनिंग करना हो, क्योंकि उसी के चलते यानी 12 साल की कड़ी मेहनत के चलते वो आज ये कारनामा बहुत आराम से कर पा रहा है, जो देखकर टीचर से लेकर जीनियस कैंडिडेट तक हर कोई हैरान है। और तभी किंग भी रिएक्ट करता है दैट्स इट, उसका माइंड मार्वेलियस है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर उतने में 9th फेज खत्म होता है और 10th फेज का अनाउंसमेंट होते हैं, जो सुन के लोग बाग सब मैंग चुआन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, और वहां मौजूद सारे चेंट चुआन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं क्योंकि चुआन सबके लिए एक यूनिक ट्रेजर है। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन ट्रस्ट मी कल एपिसोड में आप इतने पावरफुल लोगों को देखोगे कि आप दंग रह जाओगे। सो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसे कंटिन्यू करो, और आगे क्या हुआ अगर नहीं देखे हो तो देख के आ जाओ। भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।